अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फ़हीम अब्बास, आपको पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी पॉडकास्ट एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आशिर, जो एक स्टूडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया में। काफ़ी अरसे पहले इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई जिनमें इनका एक हाथ बर्न हो गया। आज हम इसी पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कितना इनका खर्चा हुआ, कितना मेडिकल इंश्योरेंस ने इनकी हेल्प की, सारा आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि ये ट्रेजेडी हुई कैसे, कैसे आप हॉस्पिटल गए? मैं आई वॉज डूइंग कुकिंग इन माई होम, तो कुकिंग करते वक्त तकरीबन अबाउट आधा घंटा या उससे प्लस, तो टेम्परेचर जो ऑयल का था वो काफ़ी हीट अप हो गया था, अबाउट 100+। तो अब वो क्योंकि यहाँ पे घरों में अलार्म्स होते हैं तो स्मोक की वजह से थोड़े से तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, तो वो मैं जल्दी की वजह से अलार्म बंद करने गया, तो वो ऑयल पे जब बर्तन पे हाथ लगा तो ऑयल मेरे हाथ पे आ गया। तो पेन की शिद्दत ऐसी थी कि मैं डायरेक्टली, क्योंकि हाथ जला तो मुझे लगा कि मुझे हाथ धो लेना चाहिए ठंडे पानी में, तो फ़ौरन से पहले मैंने अपने आप को ट्रीट दी, आए मेरे यहीं कुदरती घर पे आ गए, तो आए मैंने उनको अपनी सिचुएशन के बारे में बताया कि इस ये सिचुएशन हुई है। इमरजेंसी में गए तो उन्होंने सबसे पहले जब मुझे वो ट्रीट करने लगे थे तो सबसे पहले मुझे उन्होंने दो सवाल किए कि आपने वाटर ट्रीटमेंट इसको कितना दिया, कितने मिनट्स, और दूसरा कि आपने इस पर आया कि कोई चीज़ लगाई कि नहीं लगाई। तो मैंने जब उनको बोला कि वाटर ट्रीटमेंट मैंने 15 से 20 मिनट दिया है, तो उन्होंने बोला कि आपको मिनिमम 30 मिनट्स देना चाहिए, और उन्होंने फिर मुझे 30 मिनट्स वाटर ट्रीटमेंट दिया। तो मैं उनके पास जैसे गया, उन्होंने मुझसे अपनी डिटेल्स मांगी, मेरी पासपोर्ट डिटेल्स, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल और बाकी एड्रेस और मेरा वीज़ा डिटेल्स जब उन्होंने मांगी, तो मैं बहुत ज़्यादा पेन में था, तो मुझसे सवाल पे सवाल कर रहे हैं, आप रहते कहाँ हैं, आप करते क्या हैं, आप क्या करते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट उन्होंने लगाए, 15 से 20 मिनट की उनकी क्वेश्चनिंग के बाद तो फिर मुझे उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में इंटर किया। एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा गया आपसे भी और मुझसे भी, तो वो ये था कि ये घर पे हुआ या काम के दौरान हुआ, क्योंकि डेफिनेटली जब काम के दौरान ये होता है तो वो जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हो वो डील करती है, तो अगर घर पे हुआ तो डेफिनेटली आपका कसूर है, अगर आपका कसूर है और इंडस्ट्री या कोई भी चीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो डेफिनेटली यू हैव टू डील विद दैट। तो उसके बाद सर मेरा हाथ पानी में, होपफुली तकरीबन 10 से 15 नर्सिस ने विज़िट किया मुझे, और दूसरा ये था कि कैसे हुआ। मैं उनको जवाब दे दे के थक गया था कि भाई खुदा का वास्ता है मुझे ट्रीट पहले करो, मैं दे दूंगा आपको सारे सवालों के जवाब। और एक जो लास्ट पे उन्होंने किया, मेरा हाथ पानी में है सर, मैं बैठा हूँ चेयर पे, पेन है, और एक नर्स आई है मेरे पास, एक जो है ना एग्रीमेंट लेके आई है 1 पेज का, और उन्होंने बोला कि आपके ट्रीटमेंट में $726 आपको इमरजेंसी के एक दिन के विज़िट के आपको पे करने पड़ेंगे। तो फिर उसके बाद जो है ना मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, और उन्होंने मेरी स्किन पूरी की पूरी जली हुई स्किन को पहले उन्होंने मेरा टेम्परेचर मेजर किया कि टेम्परेचर कितनी हद तक आपका जला है, तो वो तकरीबन जो टेम्परेचर के 4 लेवल होते हैं, 3 या 4 लेवल, तो वो आखिरी लेवल के मिड में था, सुपरफिशियल बर्न। के बाद सर उन्होंने जो है ना मुझे कार्बन, वो लाफिंग गैस जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो सर उन्होंने इनहेल करने का बोला, तो तकरीबन होपफुली 1 से 1.5 घंटा मैंने इनहेल की और मैं बेहोश था, तो उन्होंने सर मेरे ब्लिस्टर्स रिमूव किए, डेड स्किन रिमूव की, तो डेड स्किन रिमूव करने के बाद होपफुली तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने मुझे ट्रीट कर दिया था, बैंडेजेस कवर कर दी थी। लेकिन इनके ऑपरेशन जो ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने मुझे ट्रीट किया और पाकिस्तान में बहुत डिफरेंस है। अब मेरा हाथ जला, उन्होंने मेरी स्किन रिमूव की, बट इन्होंने मुझे प्रॉपर बैंडेज, जो बर्न की डिफरेंट बैंडेज होती हैं, तो उन्होंने मुझे वो यूज़ की है। तो शुरू में मैं भी बड़ा कन्फ्यूज था, मैंने पाकिस्तानी डॉक्टरों से भी रब्ता किया कि इन्होंने मुझे बर्न हुआ है तो डेफिनेटली स्किन ओपन होनी चाहिए ताकि जल्दी हील हो, लेकिन इन्होंने वो डिफरेंट जो इनका क्राइटेरिया था तो वो यूज़ किया, तो उससे हीलिंग प्रोसेस फास्ट होता है। जब इन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया
तो जो बैंडेजेस इन्होंने मुझे किए, जो मुझे ट्रीट किया, उस सबसे पहले इन्होंने जो इनका बर्न ऑक्यूपेशन वाला जो सेपरेट इनका डिपार्टमेंट है फियोना स्टैनले में, तो इन्होंने उनसे पहले रابطہ किया कि ये बच्चे को सिचुएशन हुई है, इसको हमने कैसे डील करना है। जब इमरजेंसी से जब आपको डिस्चार्ज कर दिया गया तो आपको एक हॉस्पिटल रिकमेंड किया गया फियोना स्टैनले, तो वहाँ का हमें आप वाकया बताएं। और डिस्चार्ज होने के बाद आफ्टर 15 डेज मेरी अपॉइंटमेंट थी फियोना स्टैनले में, तो वो जो है बर्न स्पेशलिस्ट वहाँ पे एक ही जो है ना डिपार्टमेंट है पर्थ में जो हमारे करीब पड़ता है, तो वहाँ फिर मेरी 15 दिनों के बाद अपॉइंटमेंट थी, तो उन्होंने फिर दोबारा से ट्रीट किया है मुझे। मेरे केस में जो मेरा बर्न स्पेशलिस्ट था डॉक्टर, वो जस्ट मेरे हाथ को, उसने आई थिंक कुछ सेकंड्स के लिए आता था और उसने मेरे हाथ को सिर्फ मॉनिटर करता था वो, और नर्स को गाइड करता था कि इसको ये मसला है और इसका ये मसला हल हो चुका है, सो यू नीड टू ट्रीट लाइक दिस आर नॉट। जब मुझे इमरजेंसी से मैं फियोना स्टैनले गया तो डॉक्टर ने जब देखा तो डेफिनेटली उसने यही सबसे पहले उसका यही सवाल था जो रेगुलरली सब ने पूछा कि ये कैसे हुआ। तो उसके बाद उसने मुझे दो ऑप्शंस दिए थे, या तो आप इसको ऐसे ही चलने दो, जब आपकी स्किन और आपका पेन बेहतर हो जाएगा उसके बाद हम आपका ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि मेरी जो स्किन थी और जो मेरे स्किन के टिश्यू का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो डेड हो गए थे टोटली, एपिडर्मस लेयर मेरी डेड हो गई थी। तो वो अब उन्होंने क्या, दूसरा ऑप्शन जो था कि आप जो है ना एक हफ्ते के बाद आपका ऑपरेशन होगा, तो आपका जो है ना सर्जरी होगी, ग्राफ्ट सर्जरी आपकी होगी। तो उन्होंने मेरी राइट लेग के हेल्दी टिश्यूज लिए थे तो वो मेरी डेड स्किन पे लगा दी। तो होपफुली मेरे इस ड्यूरेशन में अभी तक 7000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लग चुके हैं, मैंने अभी तक एक रुपया पे नहीं किया। इमरजेंसी की फ़ीस, मेरी अपॉइंटमेंट और एक अपॉइंटमेंट की फ़ीस थी मेरी 320 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बेशक वो मुझे 5 मिनट देखें या आधा घंटा देखें। और जो मुझे उन्होंने ग्लव्स दिए ताकि मेरी स्किन इम्प्रूव हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो भी उनके चार्जेस भी साथ साथ ऐड किए हैं उन्होंने। तो मेरी एक चक्कर का जो चार्ज था वो $320 था नॉर्मल, और मेरी सर्जरी के थे होपफुली $1500। तो इनका, इन तीनों का और जितनी भी मेरी अभी तक के जो हैं एक्सपेंसेस जितने भी हो रहे हैं मेरे अपॉइंटमेंट्स के, तो वो कवर कर रही है हेल्थ इंश्योरेंस। दो चीज़ें पूछते हैं ये, एक डेट ऑफ बर्थ और एक नाम, आपकी पूरी हेल्थ मेडिकल डिटेल निकल के आ जाती है। पाकिस्तान में हमारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बेस्ड चल रहा है, यहाँ सब ऑनलाइन बेस्ड चल रहा है। तो उसके बाद सर, इन द केस ऑफ मेडिसिन, तो मेडिसिन का ये होता है कि आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। अगर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी, आपको किसी भी सूरत में ऑस्ट्रेलिया में बैठे कोई भी मेडिकल स्टोर आपको नहीं देगा, आप कुछ भी कर लो। और मेरी जो मेडिसिन थी उस पर QR कोड लगा हुआ था, इन केस अगर वो कहीं और मिल जाए उनको या कुछ मसला हो जाए तो मेरी मेडिसिन से उनको पता चल जाएगा कि ये किस बंदे ने मेडिसिन ली है और क्यों और किस मकसद के लिए ली है। मैं ये ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरी स्किन इम्प्रूव हो और मुझे वो पैचेस ना बने, मेरी स्किन जो नेचुरल थी वो आ जाए। तो अभी ये सिचुएशन है, तो ये स्किन है, आप देख रहे होंगे कि पिंक और रेड, और मेरी स्किन पहले बिल्कुल नहीं थी, यहाँ तक था, और अब देख लें हाफ से ज़्यादा कवर हो गया। तो ये होपफुली 3 से 6 महीने की ड्यूरेशन है और इसमें मेरा एज नेचुरल हो जाएगा जैसे पहले था इंशाल्लाह। तो ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट जिसमें हमने मुख्तलिफ मेडिकल सिनेरियोज़ के बारे में डिस्कस किया, कैसे आप एज आ ओवरसीज़ जाते हैं तो आपको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसमें कितना ख़र्चा आता है, तो ये सारी आज हमने बात की। वी हैव डिफरेंट पीपल एंड एवरी पीपल हैव देयर डिफरेंट स्टोरीज। होप सो आपको पॉडकास्ट ये पसंद आई होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।